अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं महाराष्ट्र के ज़िला परभनी के तहसील पाथरी में हुए एक अजीम शान प्रोग्राम की खबर पर नज़र। मुल्क में डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, धार्मिक भेदभाव बढ़ाकर जज्बात से खेला जा रहा है, जातिवाद, मॉब लिंचिंग, रेप, मर्डर, दंगे और फसाद की राजनीति मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। हम कौन सा भारत अपनी आने वाली नस्लों पीढ़ियों को देंगे? हमें मनुवाद, आतंकवाद, डर, खौफ से आज़ादी दिलानी होगी और जो षड्यंत्र हुकूमत की तरफ से चल रहा है उसका विरोध करके प्यार, एकता, अमन और मोहब्बत का माहौल बनाना होगा। मुझे बुरे लोगों का नाम याद नहीं रहता, मगर मोदी जी का नाम इसलिए ज़्यादा याद रह गया कि जगह जगह उनके बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स और प्रचार होता रहता है और वो हमारे पीएम हैं, वरना मैं कभी उनका नाम भी ना लेता। मेरे मुस्लिम भाइयों और सभी से मैं ये बात कहूंगा कि जज्बाती सियासत, धार्मिक राजनीति के खेल को समझो। इससे सांप्रदायिक ताकतें फायदा उठा रही है और जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। आप देखिए इसके अलावा और क्या हो रहा है, तलाक, लव जिहाद, गौरक्षा, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये सब मुद्दे विकास के किए वादों से ध्यान भटकाने के लिए पैदा किए जा रहे हैं ताकि हम भूल जाएं 2 करोड़ नौकरियों का वादा, हम भूल जाएं 15 लाख का वादा, सबके साथ सबके विकास का वादा। और हमारे जैसे युवा कुछ लोग अगर हुकूमत से पूछे, सवाल करें कि क्या हुआ तेरा वादा, तो फिर हम गद्दारे वतन, घरों में बम बनाने वाले, फोड़ने वाले, ऐसी गतिविधियों में पकड़े जाने वाले वफादारे वतन, देशभक्त, धर्म के रक्षक, वाह रे मोदी राज, अरे मोदी जी यहां रहा करो। सिर्फ अपने मन की बात सुनाने के बजाय लोगों के मन की बात भी सुना करो। ऐसे बेबाक ख्यालात का इजहार स्टूडेंट क्रांतिकारी इनकलाबी युवा उभरते लीडर नेता कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के जिला परभनी के तहसील पाथरी में एक अजीम शान इजलास, एक सभा बउनवान देश बचाओ संविधान बचाओ महारैली में किया। पाथरी की जिला परिषद स्कूल ग्राउंड पर हजारों हजार तमाम देश प्रेमी, संविधान प्रेमी, हर मजहब के मानने वाले जमा थे। इस शानदार प्रोग्राम के रूहे रवा रहनुमा कायद एमएलसी बाबा जानी दुर्रानी और संविधान बचाओ देश बचाओ समिति और तमाम सेकुलर पार्टियों के जिम्मेदारान और लोग इस प्रोग्राम में शामिल थे। मुस्लिम रहनुमाओं में जमीयत उलमा अरशद मदनी, जमीयत उलमा महमूद मदनी के लोग भी वहां मौजूद थे। जमीयत उलमा अरशद मदनी मराठवाड़ा के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना ईसा खान काशफी साहब, मौलाना महमूद मदनी जमीयत के सदर मोहतरम महाराष्ट्र के जिम्मेदार हजरत हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब, जिंतूर से कारी अब्दुल रशीद, मौलाना तजम्मुल हुसैन, मौलाना सिराज नदवी, मंठा से हाफिज सलीम मिल्ली और पूरे इलाके मराठवाड़ा से उलमा और अइमा किराम की बड़ी तादाद शरीक थी। एमएलसी बाबा जानी दुर्रानी ने खुसूसी तौर पर मुझे बुलाया था। मैं खुद भी मौलाना रिजवान फलाही को लेकर रात 4 बजे जलगांव से रवाना हुआ और सुबह 11 बजे पाथरी पहुंचा। कन्हैया से मुलाकात हुई, अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। ये शानदार प्रोग्राम दोपहर 2 बजे खत्म हुआ। आइए सुनते हैं मुख्तसर सी बात कन्हैया कुमार की। धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है, हम मंदिर जाना चाहते हैं मंदिर जाएं, मस्जिद जाना चाहते हैं मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, भगवान बुद्ध की पूजा करें, हम जो होना चाहते हैं हो, हम नहीं करना चाहते हम ना करें, लेकिन धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है। धर्म को हम सियासत में खींच करके ना लाएं, धर्म के आधार पर हम राजनीति ना करें, क्योंकि धर्म के आधार पर जब हम राजनीति करेंगे इसका मतलब ये होगा कि इस देश का जो बुनियादी सवाल है वो पीछे छूट जाएगा और ये घर, ये देश, इस देश को एक घर मान लीजिए, इस घर को जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है उसको अगर हम साफ सुथरा नहीं करेंगे तो इस घर को हम सुंदर बना के नहीं रख पाएंगे और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर घर देने की बजाय एक टूटा फूटा गंदा खराब घर दे करके जाएंगे। इसलिए हमको इस घर को सुंदर बना करके रखना है। कई बार हमको लोग कहता है कि तुम्हारा नाम कन्हैया है,
और तुम हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हो। तुम बोले हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं, मेरा नाम कन्हैया है, इसलिए ये मेरी खास करके जिम्मेवारी है कि हमारे धर्म के नाम पे जो धंधा चल रहा है, हमारे धर्म को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोलूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे घर को साफ करने की जिम्मेवारी मेरी है, उसी तरीके से यदि मेरा नाम कन्हैया है तो हमारे धर्म के भीतर जो गलत बात है उस पर भी सवाल उठाने की जिम्मेवारी मेरी है और ये जिम्मेवारी मैं उठाना चाहता हूँ। अगर मेरा नाम मोहम्मद कामरान होता तो यही बात मैं इस्लाम के लिए भी कर रहा होता। और आप देख लीजिए कि देश खूबसूरत कैसे बना। देश खूबसूरत ऐसे बना कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती रही है। इस खूबसूरती को आज इसलिए खत्म किया जा रहा है ताकि इस देश का जो इतिहास है उसको पलटा जा सके। मैं कह रहा था कि इन्होंने कभी भी देश के लिए कोई काम नहीं किया है। इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। 1925 में RSS बना और भारत को आज़ादी 1947 में मिली। 25 से लेकर के 47 तक RSS का एक आंदोलन बता दीजिए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया है। किसी 5 RSS के स्वयंसेवक का नाम बता दीजिए जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया। किसी 5 ऐसे क्रांतिकारी का नाम बता दीजिए जिन्होंने कहा हो कि दीनदयाल उपाध्याय बहुत बढ़िया आदमी थे, हेडगेवार और सावरकर बहुत बढ़िया आदमी थे, ये मुझे बता दीजिए। अभिनव भारत में सावरकर काम करते थे और जब इनको काला पानी का सजा हुआ तो ये अंग्रेजों से माफी मांग लिए, तब जाकर के इनको जेल से बाहर निकाला गया। जिस माफीनामा में इन्होंने साफ साफ कहा कि हमको जेल से बाहर आ जाने दीजिए, अब हम जो है अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, ये माफीनामा उन्होंने लिख करके दिया था। और उस आदमी को ये वीर कहते हैं और उस आदमी की फोटो सेंट्रल हॉल में भगत सिंह के बगल में लगा दिए हैं। हमारे लिए वीर वो नहीं होता है जो माफी मांगता है, हमारे लिए वीर वो होता है जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाता है। इसीलिए आज आपको तय करने की जरूरत है कि आपको किस तरीके का भारत चाहिए। आपको अंबेडकर का भारत चाहिए कि आपको सावरकर का भारत चाहिए, ये बात आपको तय कर लेना पड़ेगा। हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं आए हैं। भगवा वस्त्र यदि कोई पहन ले तो वह वीर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वीरता का मतलब ये नहीं होता है कि 10 आदमी डंडा ले लिए हैं और एक